ऐसे ही ताकि देखने में हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन एंड टीशा तो पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा मेरा जो स्मॉल बालकोनी मेकओवर तो यही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था तो आज फिर से स्मॉल बालकोनी मेकोबार वीडियो ले आई हूँ मेरा जो दूसरा बालकोनी है तो उसी का मैं आज मेक करने वाली हूँ तो आप लोग वीडियो में तक बने रहिएगा इस बालकोनी में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इनडोर प्लांट से रखा हुआ है क्योंकि इस बालकोनी में धूप नहीं लगती है इस वजह से तो मेरा जो दूसरा बालकोनी है यहाँ पे तो ये यह यहाँ धूप लगती है मगर ये प्लांट्स के लिए अच्छा धूप तो नहीं है तो फिर भी चल जाती है बारह बजने के बाद ही यहाँ पे धूप लगती है तो फिर भी चल जाती है मेरे प्लांट्स तो इंडोर्स प्लांट्स और ऐसा कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स ये सभी को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो अभी इन चीज़ों को अभी एक एक करके हटा रही हूँ पॉट्स को क्योंकि मुझे अभी पेंट करनी है तो ये उडेन का स्टैंड जो मैंने बनाया है ये कैसे बनाया इसी का भी वीडियो मेरे चैनल में आबलूद है अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं तो मैंने ये स्टैंड को भी हटा दिया पोर्ट्स को भी हटा दिया है अभी थोड़ा सा जारो पूछा कर रही हूँ क्योंकि बहुत गंदा हो गई है और दीवार आप लोग देख देख ही पा रही हो कितना गंदा हो गया है बिल्कुल लाल तो ये फ्लोर भी बहुत ही गंदा हो गया तो इसको पहले मुझे अच्छे से सफाई करना है तो सफाई कर लिया हूँ तो अभी ये वाल में पेन करना है जो पहले मैंने पेन किया था वन लीटर का जो पेन लाया तो यही पाँच सौ मैंने राख दिया था तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ही पानी मैंने मिलाया है बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया क्योंकि मेरा दीवार जो है बहुत ही गंदा है बिल्कुल लाल इसमें परा हुआ है पानी अच्छा नहीं है और मैं पॉट्स में भी पानी डालती हूँ तो थोड़ा बहुत गिर ही जाती है इस वजह से दीवार और भी गंदा हुआ है तो इसलिए मुझे पेन को थोड़ा घना करके लेना पा रहा तो ऐसे करके मैं अभी धीरे धीरे करके कर रही हूँ और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मैं एक हट से कैमरा पकड़ के मैं दूसरा हाथ से पेन कर रही हूँ तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखा पा रही हूँ मेरे पास टेन भी नहीं है इसीलिए तो इसीलिए सॉरी तो जितना हो सके मैं ज़रूर कोशिश करूँगी अच्छे से हो जाए मेरा जो पेन यही मैं कर रही हूँ तो अभी देख ही सकते हो मैंने पेन कर लिया है ऑलरेडी तो ये सूखने भी लग गया अभी तो देखिए पहले कितना लाल थी तो अभी इतना सूख थोड़ा सा सूखने के बाद अभी देख ही सकते हो तो अभी देखिए पूरी सूख गई है मैंने ये वुडन स्टेन को भी यहाँ पे रख दिया तो अभी इस पर एक, एक करके प्लांट्स को मैं रखूँगी तो अभी जो फ्लोर है तो ये थोड़ा सा बहुत गंदा ही है तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी ग्रीन मेट बिछा दिया है तो ग्रीन मेट बिछाने के बाद ही इसका लुक्स थोड़ा सा अच्छा दिखते है तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरा बालकोनी में का तो यहाँ से थोड़ा व्यू भी अच्छे आती है ये फ्रंट के तरह बालकोनी है ऐसा व्यू आते हैं यहाँ से कितना धूप है बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी धूप बहुत तेजी धूप है और ये बोतल को मैंने काट करके इसमें थोड़ा सा पेन भी किया है और इस पर मैंने लगा के रखा है जेड प्लान और ये एक वो पूजा के लिए गॉड होता है ना तो वही है परा हुआ था उसको मैंने काट करके इसमें थोड़ा सा पेन करके मैंने बना रख दिया ऐसे ही कुछ प्लांट्स इसमें लगाऊंगी जैसे कि सकुलेंट और ये मेगी का कंटेनर है तो इसमें भी मैंने कलर किया हूँ करके इसमें मैं ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का कटिंग्स का मैंने लगाया और टायर यहाँ पे एक टायर है तो इसको मैंने पहले से ही कलर करके रख दिया था तो इसका अलग से वीडियो नहीं बनाई हूँ और ये पेंटानास मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था तो यह थोड़ा सा स्पेस ब्लैंक देख रही है तो बीच में मैंने बिठा के रख दिया और ये पेन का डब्बा है तो इस पे मैंने इसको मैंने वॉल पे हैंग करके रख दिया और थोड़ा सा दीआई भी किया है कैसा कि लगा जरूर बताइएगा कमेंट पे और ये एग्लोनिमा जो देसी वाले एग्लोनिमा होते हैं काफ़ी बड़ा होता है तो इसको बोतल काट करके मैंने पहले से लगा कर रखा था तो अभी इसको भी वाल पे ऐसे हैंग कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये स्पेस खाली दिख रही है इसीलिए और ये भी मैंने वर् सीमेंट से खुद बनाया है कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा आप लोग बहुत मेहनत से बनाया हूँ इसको और यहाँ छोटे छोटे कुछ मेरा जो पॉड्स है इसको मैंने थोड़ा सा दीवाई किया है और ये भी मैगी का कंटेनर है तो इसको भी मैंने ऐसे ही करके दीवाई बनाइए दिया तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है कुछ अच्छा करने की तो एक बार में तो नहीं होते हैं बार बार चेस्टा करना पड़ता है ट्राई करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है और ये बहुत पुरानी हो गई है तो एक साल पहले मैंने किया था तो अभी देखिए मैंने प्लांट्स को एक एक, -एक करके इस पर बहुत अच्छी से बिठा दिया हूँ तो अभी कैसा लग रही है आप लोग देखिए बताइए मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा आप लोग और ये दूसरी साइड है मैंने एक साइड आप लोगों को दिखाई है अभी राइट साइड पे आप लोगों को दिखा रही हूँ तो यह मैंने ऐसा करके रखा है तो एक एक करके प्लांट्स को दिखाने का टाइम नहीं है मेरे पास नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और इतना लॉन्ग वीडियो डाल से थे लुक देखते नहीं हैं इसलिए मैंने बहुत काट कट करके और थोड़ा सा स्पीड मोड करके वीडियो मैंने तैयार किया हूँ आप लोग प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा स्क्रॉल करके मत देखिएगा आप लोग तो यहाँ पे कैलरियम कोलियस तो ये एग्लोनिमा तो यही सब इस पर थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो केलाथिया भी है तो इन सब ये मैंने नया ऐड किया है मेरा फेवरेट कोलियस है ये मुझे बहुत पसंद है और ये ग्रीन एग्लोनिमा भी मुझे बहुत पसंद है तो इस पे भी मैंने कोलियस लगा के रखा हुआ है बहुत सारे कलेक्शन है मेरे पास कोलियस के तो इस बार मेरे पास बहुत सारे कोलियस हो गए और इस तरफ़ मैंने इसको हैंग करके रखा है ये थोड़ा सा हवा आने से ना ये इसका जो साउंड है ना बहुत स्वीट करके ये बजने लगता है और ये ऊल से मैंने बनाया है ऐसे ही डी तो इसको मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया हूँ कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा बहुत मेहनत की हूँ इतने गर्मी में तो अभी थोड़ा सा फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ यह शाम की दूब है अभी जो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं है तो फिर भी यही मिलती है मुझे तो प्लांट्स चल जाती है मॉर्निंग का दूब अगर प्लांट्स को मिले तो बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए तो अभी कुछ इस तरह का लुक आ रही है मेरे बालकोनी गार्डन का और जो मनी है मेरे पास तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले लिया है तो इसलिए मैंने चारों तरफ ऐसे फैला के रख दिया और इस पर कुछ जेट प्लान का कलेक्शन है और ऊपर मैंने रखा हुआ है ये तेंगल हार्ट टर्टल बाइंड तो ये सब को मैंने ऊपर ऐसे हैंग करके रख दिया तो काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे पास ख़राब हो गई है पहले से तो फिर भी मैंने और नहीं किया हूँ क्योंकि मेरे बालकनी पे और रखने के लिए जगह नहीं है जगह की कमी की वजह से मैंने और तैयार नहीं किया हूँ तो जो भी मेरे पास है इसी को ही मैं अच्छे से सजा करके रखने की कोशिश कर रही हूँ तो यही थोड़ा बहुत मैंने मेकओवर किया है अभी फाइनल लुक दिखा रही हूँ आप लोगों को जस्ट यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट्स भी है ऐसे ही तो सभी को मैंने मिला करके ही रखा हुआ है तो यही है मेरा आज का छोटा सा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा लाइक शेयर कीजिएगा थैंक यू